मेरे सभी मित्रों को मेरा फिर से नमस्कार। आज मैं आपको लेके आया हूं एक अत्यंत मनोरम और शक्ति संपन्न स्थल पर। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न कुमाऊं अंचल की एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य और भाषा बोली, इन सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है और ये हमारी एक संपन्न विरासत भी है। अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचना के लिए कुमाऊं का खासकर पहाड़ी क्षेत्र देश दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। कुमाऊं का अस्तित्व यूं तो वैदिक काल से है। स्कंद पुराण के मानस खंड और अन्य पौराणिक साहित्य में कुमाऊं के प्राचीन मठ मंदिरों का जिक्र है। भगवान शिव और शक्ति के उपासक होने के बावजूद कुमाऊं के लोगों में लोक देवता की पूजा की एक समृद्ध परंपरा भी है और प्रत्येक लोक देवता की एक अपनी अलग कहानी और अपनी एक अलग किंवदंती भी है। अपनी इस यात्रा के क्रम में मैं आज आया हूं कुमाऊं के एक प्रसिद्ध लोक देवता के दरबार में, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगुलीहाट नामक कस्बे में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे कालसन देवता के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। इन कालसन देवता को कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक देवता गोयल महाराज अथवा गोलजू का बड़ा भाई भी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि चंपावत के राजा झलराय की 7 जो रानियां थी, उनमें से 6 रानियों ने सातवीं रानी कलिंगा के गर्भ से सिलबट्टे के पैदा होने की एक झूठी कहानी गढ़ दी थी। बाद में गोलजू की माता कलिंगा के सतीत्व के तेज के कारण उस सिलबट्टे में भी प्राणों का संचार हो गया था और उस सिल को कालसिल देवता के नाम से जाना जाने लगा। कालसिल देवता का मूल स्थान कांडा के पास कांडा कालसिल में माना जाता है। सिल को कालसिल और उस बट्टे को लोड़ी देवता अथवा लोड़ी द्यप्त के नाम से हमारे कुमाऊं में पूजा जाता है। यूं तो साथियों, कुमाऊं हमारा लोक संस्कृति, खान पान, पहनावा, बोली, वेशभूषा, इसमें काफ़ी ऊंचा स्थान रखता है देश और दुनिया में। हमारे तीज त्यौहार, हमारे लोक देवता हैं, ये हमारी संस्कृति को बहुत धन्य बनाते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे जो लोक देवता हैं जिनको हम पूजते हैं, उन्हीं में से एक, सबसे बड़े देवताओं में से एक माने जाते हैं कालसन देवता। गुफाओं की धरती इसे कहा जाता है। तो गंगुलीहाट के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यहाँ के कणकण में देवता बसते हैं, कणकण में यहाँ के भगवान हैं, क्योंकि जब किसी राहगीर के पैर में ठोकर लग जाती है, पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है, तो वो राहगीर उस पत्थर को नमस्कार करता है, उसका चरण स्पर्श करता है, क्योंकि उसको लगता है, उसकी मान्यता है कि यहाँ पर इस पत्थर में भी कोई ना कोई लोक देवता यहाँ पर इसमें विराजता होगा। तो उस पावन धरती पे मैं आज आया हूँ, पाताल भुवनेश्वर, महाकाली, हाट कालिका, इन लोक देवताओं की ये धरती है गंगुलीहाट। तो उसी गंगुलीहाट में बाजार से करीब 3 किलोमीटर आगे एक लोक देवता का मंदिर स्थित है, जिसे कालसन देवता कहते हैं। कालसन देवता का जो मूल नाम है वो कालसिल देवता है। कालसिल देवता हमारे जो लोक देवता गोलूजी महाराज हैं, उनके बड़े भाई माने जाते हैं। जब उनकी 7 रानियों ने झूठ मूठ बोलकर ये कहा था कि उनकी उनकी रानी थी उसके पेट से सिलबट्टे का जन्म हुआ है, तो उसी सिलबट्टे को यहाँ पर स्थापित किया करके यहाँ पर कालसिल देवता की स्थापना की गई और ये कालसिल देवता गोलू जी के बड़े भाई माने जाते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। और ये प्रकृति के देवता भी माने जाते हैं,
जो कालशील देवता है वो प्रकृति के देवता भी माने जाते हैं। वर्षा, धूप, सर्दी, गर्मी सब इन्हीं के आदेश से होती है, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। तो ये मेरे सामने जो दिख रहा है यही कालसान देवता का मंदिर है, जो कि हमारे कुमाऊं के एक बहुत बड़े लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें गोलजू महाराज का बड़ा भाई माना जाता है, और जो शब्द बाद में कालशील से कालसन हो गया, जो मूल शब्द उसका कालसन कालशील ही था। हाँ, तो इस कालसन देवता के जो प्रधान पुजारी हैं शैलेंद्र बिष्ट जी, जिन्हें शैलुदा हम कहते हैं, और बहुत ही सरल सज्जन व्यक्ति हैं, तो वो मेरे साथ हैं। तो नमस्कार है, प्रणाम है आपको सबसे पहले। तो मैं आज मेरी इच्छा थी यहाँ पर आने की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ ये कालसन देवता का मंदिर, तो थोड़ा इस मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कब का है और क्या इसकी मान्यता है। मंदिर के बारे में तो ऐसा है कि हमें भी मालूम नहीं है कि मंदिर कब से है। इस मंदिर के बारे में हमें भी मालूम है मंदिर कब से है। पहले मंदिर जो है वो बांस का जो आपका पेड़ दिख रहा है उसकी जड़ पर था जी, छोटा सा मंदिर था उस समय। बाद में स्थानीय व्यक्ति द्वारा इस मंदिर को अपनी श्रद्धा से मतलब इतना बनाया गया। अच्छा, उसमें भी देवता का ये स्वप्न आया कि इसके ऊपर मत बनाना जी। और ये जो कालसन जी हुए, मतलब ये शिलबट्टा जो रखा गया, शिलबट्टे में जब उनकी माता ने, गुलजू की माता ने प्राण फूके, प्राण संचित किए, तो उस कालशील के नाम पर कालशील देवता हुए। हाँ, तो ये पैदा होते ही जो है तपस्या में चले गए। इन्हें 12 वर्ष लगातार कैलाश में तपस्या करी, तो उसके बाद ये देवता के रूप में स्थापित हुए। तो ये गुलजू के बड़े भाई हुए, धर्म भाई, धर्म के रूप में बड़े भाई। हाँ, तो इस स्थान पर हमारा कोई भी कार्य होता है, जब कोई भी ऐसा ढोल वाला कार्य होता है, चौरासी या बैसी, छमासी, तिमासी, जो त्रैमासिक 4 दिन का, 11 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ पर, तो इस जगह पर जो है इस देवता के अलावा एक मतलब जो है गुलजू का कोई, जिसको पहाड़ी पर डंगरिया कहते हैं हम, डंगरिया। हाँ, तो गुलजू का डंगरिया होना जरूरी है जी। और इस जगह पर जो है केवल कालसन जी और गुलजू का ही काम होगा, और किसी देवता का काम नहीं होगा जी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो दोनों भाई हैं, उनके अलावा किसी का काम नहीं होगा यहाँ। माता का काम हो जाएगा और होगा, लेकिन पहाड़ में किसी भी देवता का काम इन दोनों के अलावा यहाँ पर नहीं होगा जी। इनका अपना ये वो है सिद्धांत है। हाँ, तो सर ये आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर, यहाँ की इनकी सेवा में है, कितनी पीढ़ियाँ आपकी? अब ऐसा है, हमारी और हमारी चचा है एक लक्ष्मण सिंह जी ने यहाँ पर 3 माह का कार्य किया था, वो भी अभी यहाँ के पुजारी है, मैं भी यहाँ का पुजारी हूँ, हम भी इसके अंदर नहलाते धुलाते हम ही लोग हैं ना। तो वो उनके, हमारे दादाजी लोगों के समय से मतलब जो यहाँ सेवा चल रही है। अब उनके दादाजी लोग कहते हैं, हमारे दादाजी लोग ये कहते थे कि हमारे पापा लोग, हमारे उनके पापा लोग कहते हैं, अब ये कोई पता नहीं है कि कब से है करके। यहाँ के लोग बताते हैं कि आपको एक स्वप्न आया था, उस स्वप्न में आपको बद्रीनाथ जी के मैं 2 लिंग दिखाई दिए थे, तो वो लिंग यहाँ पर आपको खुदाई में मिले, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। वो ऐसा हुआ कि जिसमें ये मंदिर का कार्य चल रहा था ये चारों तरफ, तो उसमें सपना हुआ, स्वप्न में बद्रीनाथ जी में गए हुए, वहाँ लिंग निकल रहे हैं, लिंगों में दूध चढ़ रहा है, तो यहाँ कार्य चल रहा था। तो मैंने अपने कार्य वाले से ऐसा कहा, लेबर उसे, कि यार कोई चीज़ निकलेगी यहाँ इस लिंग टाइप का, तो आप संभाल कर रखें। तो इस जगह पर काम करने पर, यहाँ पर काम करने पर उनको जो है, ये छोटे जो मंदिर है हमारे, इसके अंदर 4 लिंग हैं, तो 4 लिंग उनको मिले, देख सकते हैं आप दूर से दिखेगा, 4 लिंग मिले। तो हमने मैंने यहाँ स्थापित कर दिए, वही लिंग थे जो सपने में दिखे, तो यहाँ पर हमने स्थापित कर दिए, उसके अलावा कोई लिंग निकला है। आप देखिए, हम उसको देखते हैं, देखिए जी, ये वो 2 खंडित लिंग हैं। हाँ, जो इनको सपने में आए थे, दो नीचे हैं छोटे, तो यही सपने में जो लिंग इनको बद्रीनाथ जी में दिखाई दिए थे, यही लिंग इनको यहाँ पर खुदाई में मिले, ये बहुत बड़ी बात है। इनको हमने ये माना शिव पार्वती परिवार। अच्छा, हाँ, गणेश, कार्तिकेय और वो जी इस रूप में पूछते हैं जी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं, और मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो इस अद्भुत लोक देवता की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, नमस्कार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, आपकी हर राय मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।